नमस्कार, डेली हल्ला डायरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे बनाना पैनकेक। उसके लिए हमने यहाँ पे दो बनाना ले लिया हुआ है, तो इसको हम छील लेते हैं। छील के मिक्सर जार में डाल देते हैं। हमने अपने केले को छील के डाल दिया है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी बना सकते हैं मैश करके, लेकिन हम मिक्सर में बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। फिर इसमें हम डालते हैं 1 कप दूध। फिर इसमें हम डालते हैं 2 छोटे चम्मच चीनी के। आप चाहें तो यहाँ पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पीसना ही है तो हम पाउडर शुगर क्यों यूज करें, इसीलिए हमने यहाँ पे खड़े शुगर ही डाल दिए हैं। और इसमें हम डालेंगे बिल्कुल 1 चुटकी थोड़ा सा एकदम नमक, ताकि मेरे टेस्ट को ये बैलेंस कर सके। अब हम इसको पीस लेते हैं थोड़ा सा। फिर इसमें हम डालेंगे मैदा और आटा, तो पहले हम इसको थोड़ा पीस लें। तो मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया है। अब हम इसमें डालते हैं 1 कप मैदा। और यहाँ हमने 1/2 कप से थोड़ा सा कम लिया हुआ है गेहूं का आटा। और ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। यहीं पे हम डाल रहे हैं 1 से 2 चम्मच देसी घी। आप इसकी जगह पे बटर भी यूज कर सकते हैं। अब हम मिक्सर को बंद करते हैं और इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं सारी चीज़ों का। ये मेरा बैटर जो है वो बहुत ही गाढ़ा है अभी, तो इसमें हम डालते हैं 1-2 चम्मच पानी और इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मेरा पेस्ट बनके तैयार है, तो अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने अपना बैटर बना के बिल्कुल तैयार कर लिया है, तो अब इसको हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, तो ये मेरा बैटर अच्छे से सेट हो गया है, फूल गया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे अपना तवा रख दिया है। हमने नॉनस्टिक तवा लिया है। ये नॉनस्टिक पे बहुत ही आसानी से निकल जाता है, तो हमने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा लिया हुआ है। इसको हम गरम होने के लिए रख दिए हैं। तो इस पे हम डालते हैं हल्का सा ऑयल। आप चाहें तो यहाँ घी, बटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। इसको हम अच्छे से तवे पे फैला देते हैं। मेरा तवा गरम हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा गरम तवा नहीं चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे आँच को बिल्कुल भी कम कर दिया है। अब हम 1 चम्मच की हेल्प से अपना बैटर डाल देते हैं तवे पे। तो आप इसको चाहे जितना छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। फिर इसको हम एकदम मीडियम फ्लेम पे करके छोड़ देंगे, जब तक कि ये नीचे से हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब ये ऊपर से पता चल रहा है कि ये नीचे से पक गया है, तो इसको हम पलट के दूसरे साइड भी सेक लेते हैं। अब इधर से भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे चेक कर लेती हूँ दूसरे साइड। तो ये देखिए दूसरे साइड भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम सारे अपने पैनकेक को बना के तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे छोटे छोटे ही बना रहे हैं, तो हम एक बार में तवे पे 3-4 भी डाल सकते हैं। तो हम डालेंगे इस बार 2-3 एक साथ, क्योंकि हम यहाँ पे छोटे छोटे से बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 डाला हुआ है एक साथ।
तो अभी हम इसको अच्छे से पक जाने देते हैं। हमने अपने पैन केक को पलट दिया है एक बार फिर से, तो इसको हम पलट के भी पका के फिर उतार लेते हैं। मैंने अपना सारा पैन केक बना के बिल्कुल तैयार कर लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही सॉफ्ट है और कितना अच्छा देखिए इसमें पड़ा हुआ है जाली। तो आप ऐसे एक बार पैन केक बनाना का बना के ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें।